अगर आप अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने फैमिली मेंबर्स के पुराने कपड़ों को दान करना चाहते हैं, तो दान करने से पहले इतना ख्याल रखिएगा कि वो जो कपड़े हैं वो फटे नहीं होने चाहिए, कि जिनको भी आप वो दान करेंगे वो जरूर पहन पाए। फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी, आपके बच्चों के अगर कपड़े हो तो जो भी कपड़ा आप दे रहे हैं, शर्ट हो, टी शर्ट हो, पैंट हो, थोड़ा सा अंदर से कहीं से भी थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा काट दीजिए कैंची से, थोड़ा सा, ताकि वो कट जाए, पर जो पहने का उनको समझना है, उनको पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो, फटा या कटा दिखे भी नहीं, थोड़ा सा काट के कॉलर के पास हो या बिल्कुल नीचे की तरफ, जो थोड़ा सा धागा अगर काट के फेंक दें तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है, सुनाई देता है कि जो पुराने कपड़े हम दान करते हैं उससे ब्लैक मैजिक या कोई टोटका करने का पॉसिबिलिटीज रहता है, तो उससे आपके बच्चे या आपके घर में, घर के जो मेंबर्स के कपड़े आप दान कर रहे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखिए। साथ ही साथ एक और बात बताऊं कि बेगर्स को, यानी कि जो भिखारी है, भिखारियों को कभी भी आप कपड़े दान मत कीजिएगा, क्योंकि आप अगर अच्छे कपड़े भी उनको दान करेंगे वो पहनेंगे नहीं, वो उसको कुछ भी बेच देंगे या कुछ भी करेंगे, पर वो फटे पुराने कपड़े पहन के ही पूरा दिन गुजारते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ वो पहनेंगे तभी उनको दीजिए, अथवा उनको बिल्कुल भी मत दान कीजिएगा पुराने कपड़े। ये थोड़ा ख्याल रखिए। आज यहीं तक, नमस्ते।